नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रैयती जमीन क्या होता है, भूमि सीमांकन सरकारी अमीन से कराना चाहिए या प्राइवेट अमीन से, आप अपने निजी जमीन का सीमांकन करवा सकते हैं या सरकारी का भी, जमीन का सीमांकन में नोटिस कितने दिन पहले किया जाता है, आवंटित भूमि सीमांकन कैसे करें, भूमि सीमांकन कराने हेतु कितना रुपया का फीस लगता है, भूमि सीमांकन के नियम क्या हैं, आप अपने जमीन का सरकारी अमीन से नामांकन कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, कहां जमा करना होता है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। हमारे कई सारे व्यूवर्स को इस बात को समझने में परेशानी हो रही होगी कि रैयती जमीन क्या होता है, क्योंकि इस वीडियो में रैयती जमीन का कई बार जिक्र होने वाला है, तो हम आपको पहले समझा देते हैं कि रैयती भूमि क्या होता है। तो दोस्तों, जो जमीन आपकी होती है, जिनका दस्तावेज आपके नाम से होता है, जिनका पूरा मालिकाना हक आपको होता है, वह जमीन आपकी रैयती जमीन कहलाती है और आप उस जमीन का रैयत कहलाते हैं। दूसरी बात आती है कि जब भी आपको अपने जमीन से संबंधित कोई विवाद हो सीमांकन को लेकर के, तो उस समय आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम प्राइवेट अमीन से माफ़ी करवाएँ या सरकारी अमीन से। तो दोस्तों, यदि आप प्राइवेट अमीन से माफ़ी करवाते हैं और विपक्षी उस सीमांकन को नहीं मानता है, या यूं कहें कि आपके जमीन के अगल बगल में जो जमीन है उनके मालिक उस माफ़ी को मानने से इनकार करता है, तो फिर माफ़ी या सीमांकन का यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। एक बार आप अमीन लाते हैं, फिर वो लाएगा, इसमें आपको परेशानी होगी एवं खर्च भी ज़्यादा होगा। यदि आप प्राइवेट अमीन से भूमि की नापी या सीमांकन करवाते हैं, तो वो कोई कानूनी दस्तावेज में उनका कोई वैलिड नहीं होता है। जो सबसे कॉमन बात है वो ये है कि प्राइवेट अमीन माफ़ी को कई दिनों तक खींचता है, जिससे आपको पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। अमूमन देखा गया है कि प्राइवेट अमीन की प्रतिदिन का फीस 2000 रुपये के करीब करीब होता है। इसलिए मेरा सुझाव यही होगा आपसे कि यदि आपकी ज़मीन के सीमांकन में कोई बड़ा विवाद नहीं है, तो आप प्राइवेट अमीन से नापी करवा सकते हैं। किंतु यदि कोई विवाद है, या आपके जमीन के अगल बगल के जमींदार माफ़ी को बार बार मानने से इनकार करते हैं, तो आप सरकारी अमीन से ही माफ़ी करवाएं। तीसरी बात यह है दोस्तों कि आप निजी जमीन का सीमांकन करवा सकते हैं या सरकारी का भी। तो दोस्तों, आप केवल अपनी निजी जमीन यानी जो आपकी रैयती जमीन है, केवल उनकी माफ़ी ही करवा सकते हैं, सरकारी जमीन की माफ़ी आप नहीं करवा सकते हैं। हाँ, यदि आपके एरिया का एक जनसमूह चाहे कि ये जमीन है, इसको लेकर के कई सारे विवाद हैं, तो आप एक जनसमूह मिल करके एक पेटिशन तैयार करेंगे, उसको जनप्रतिनिधि के पास जाके उसको फॉरवर्ड करवाएंगे, तब जा करके सरकारी जमीन को भी माफ़ी करेगा। अब बात आती है कि आप अपने जमीन का सरकारी अमीन से माफ़ी कैसे करवा सकते हैं। सरकारी अमीन से जमीन माफ़ी करवाने के लिए आपको एक पेटिशन या एक फॉर्म भरकर अंचल कार्यालय में जमा करना होता है। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज को आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर भूमि सीमांकन के नियम क्या हैं इसके बारे में बताया गया है, और यहाँ पर एक डाउनलोड बटन है। आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके जो बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस है उसको आप पढ़ सकते हैं। ये PDF फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो जाएगा। उससे थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म के बारे में एक बटन और दिया गया है, आपको इस डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करना है। डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको गेट इट पर क्लिक करना है। इसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भर के क्लेम फॉर फ्री पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं करता हूँ। क्लेम फॉर फ्री पर क्लिक करने के साथ आपको ये पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको डाउनलोड बटन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप ओपन करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है अमीन के द्वारा जमीन की माफ़ी हेतु याचिका का प्रपत्र 36 इसको कहते हैं। ये नियम 23(2) एवं 23(3) के अधीन इसको रखा गया है। आप जब पहला वाला बटन पर क्लिक करके इसी प्रक्रिया को करते हुए वो PDF फाइल डाउनलोड करेंगे, तो उसमें आपको इस नियम के बारे में जिक्र किया गया है, और ये नियम क्या है आप उसमें देख सकते हैं। आपको इसमें अपना अंचल का नाम देना है, इसमें आपका अनुमंडल भरना है, और यहाँ पर आपको अपना जिला भरना है। इसमें आपको अपना नाम देना है, इसमें आपको अपने पिता का नाम देना है, आपको इसमें अपना ग्राम डालना है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डालना है, यहाँ पर थाना डालना है, यहाँ पर अंचल डालना है, और यहाँ पर जिला डालना है। यहाँ पर आपके जमीन का खाता नंबर डालना है, यहाँ पर खेसरा डालना है, यहाँ पर रकबा डालना है, और इसमें आप चौधरी डालेंगे। इसमें आप अपना राजस्व थाना नंबर डालेंगे, राजस्व थाना नंबर
आपके केवला में भी होगा, रसीद में भी होगा, या जो भी आपके जमीन का दस्तावेज होगा उन पर राजस्व थाना संख्या अंकित होगा। यहाँ पर आपको अपना राजस्व का मौजा डालना है। यदि कई सारे खेसरा हैं तो आप इसी में नीचे ऊपर करके भर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अपने जमीन का जो भी दस्तावेज है, चाहे वो केवला, दान पत्र, खतियान जो भी है, वो और अप टू डेट रसीद उसमें आपको संलग्न करना है। यदि आपने यह जमीन कोर्ट से किसी डिग्री के तहत हासिल किया है तो आपको उस डिग्री की कॉपी लगानी है। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है और इसमें दिनांक डालना है। इसके साथ साथ आपके जमीन के चारों ओर जो भी जमींदार हैं, आपके अलावा आपके जमीन के चारों ओर जो भी जमींदार हैं और वो जिससे आपको सीमांकन को लेकर के विवाद है, उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे प्रतिवादी। इसके बाद आपको यहाँ पर साइड में लिखना है यहाँ पर विपक्षी, इसको लाइन दे देना है। इसके साथ में आपको विपक्षी का नाम सीरियल नंबर करते जाइए, जितने भी प्रतिवादी हैं यानी जो भी आपके ज़मीन के चारों ओर हैं, चाहे उससे आपको विवाद हो अथवा नहीं हो उससे मतलब नहीं है, वो चारों ओर का आप नाम डालेंगे, उनके पिता का नाम डालेंगे, जितने भी हैं आप सभी प्रतिवादी का नाम डाल दीजिए, उसका यहाँ नाम डालिए, पिता का नाम डालिए और उनका पता डालिए, क्योंकि उनको इसी पते पर नोटिस जाता है, आप ये डाल दीजिए। सभी साक्ष्यों को संलग्न करते हुए आप इसे अंचल कार्यालय में जाके जमा कर देंगे। यदि आप चाहें तो ये फॉर्म को यदि नहीं भरना चाहते हैं तो आप ये एप्लीकेशन सादा कागज़ पर भी ही इसी तरह से आप लिख करके जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है कि आपके इस आवेदन के जमा होने के बाद क्या होगा। जमा होने के एक सप्ताह से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर सभी प्रतिवादी गण को नोटिस किया जाएगा। नोटिस चौकीदार के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। नोटिस मिलने के बाद सभी प्रतिवादी को अंचल कार्यालय में उपस्थित होना होगा निर्धारित समय पर। वहाँ पर सब अपना अपना जवाब देंगे कि उस नापी से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। यदि अमूमन किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, यदि होती है तो उनको उचित कारण देना होगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद अंचलाधिकारी आपको फीस जमा करने के लिए कहते हैं। फीस हमारे एरिया में अभी 1400 रुपया चलता है, जो कि एक दिन का सरकारी जमीन से माफ़ी करवाने का चार्ज होता है। वो फीस आपको अंचल नजारत कार्यालय या बैंक चालान के माध्यम से जमा करके उसकी रिसीविंग को उस रिकॉर्ड में लगाना होता है। लगाने के 30 दिन के भीतर भीतर अंचल अधिकारी द्वारा अमीन को आदेश दिया जाता है कि आप फलाने जमीन की माफ़ी कीजिए। और यह बात की सूचना सभी वादी एवं प्रतिवादी गण को दे दी जाती है कि आप लोग इस आदेश की सूचना सभी वादी एवं प्रतिवादी गण को दे दिया जाता है कि फलाने तारीख को आप सब अपने प्लॉट पर उपस्थित रहेंगे। जनप्रतिनिधि भी को भी एक नोटिस दिया जाता है जिसमें उनको वहाँ उपस्थित रहने के लिए कहा जाता है। इसके बाद जमीन की माफ़ी करता है। माफ़ी करने के बाद उनको 3 दिन के भीतर भीतर अंचल कार्यालय में प्रतिवेदन समर्पित करना होता है नक्शा के साथ, जो भी नक्शा वो बनाए हैं उसमें उनको पूरी डिटेल से रिपोर्ट देना होता है कि किसकी ज़मीन किसमें कितना गई, किस भाग से गई, किस खेसरा में इसका ज़मीन आगे बढ़ रहा है। ये सभी चीज़ करने के बाद अब यहाँ पर दो बात आती है जो आपको समझने की है। अंचलाधिकारी तो आदेश कर देते हैं कि आपकी ज़मीन इतना फीट या इतना कड़ी फलाने के ज़मीन में चला गया, लेकिन यहाँ पर आपको ज़मीन का कब्जा नहीं करवाया जाता है। यदि आप कब्जा करवाना चाहते हैं तो आपको हम एक नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे कि आपको भूमि पर कब्जा कैसे करना है, वो उसका लिंक हम बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यदि वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट। यदि आप किसी को इस माफी से कोई आपत्ति है तो वो भूमि उपसमाहर्ता के न्यायालय में जाकर इस नापी के विरोध में अपील दायर कर सकते हैं, जिसकी समयावधि माफी करने या अंचलाधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के 30 दिन के भीतर भीतर में होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसमें यदि कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसके लिए एक और वीडियो अलग से बना देंगे। यदि इसमें कोई परेशानी होती है तो आपको क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।